गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो अपडेट जीएसटीआर 3B से रिलेटेड बताने वाला हूं। एक तो जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन 48, उसके अंदर क्या अपडेट है, और दूसरा ये कि अगर आप 24 जून 2020 की जो डेट स्पेसिफाइड है, अगर आप उसे मिस करेंगे तो आपको कितने दिन की लेट फीस, कितने दिन का इंटरेस्ट पूरे फुल परसेंटेज 18% के हिसाब से पे करना होगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है। फरवरी के लिए कितने दिन का होगा, मार्च के लिए कितने दिन का होगा और अप्रैल के लिए कितने दिन का होगा, ये दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म ने जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड जो 18-19 की फाइलिंग होनी है उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 21 जून 2020 यानी कि कल संडे को 11 बजे से 2 बजे तक ऑर्गेनाइज किया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बहुत ही कम सीट्स रह गई हैं, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद नहीं हो पाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो नोटिफिकेशन नंबर 48 इशू किया गया है 19 जून 2020 को। ये कहता है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 164 ऑफ द CGST एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द CGST रूल्स, यानी कि CGST रूल्स को फर्दर अमेंड किया गया। और ये जो अमेंडमेंट है ये 27 मई 2020 से ही मान लिया जाएगा कि इन फोर्स आ चुका है, 27 मई से ये लागू होगा। इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इन रूल 26 इन सब रूल 1 फॉर द सेकंड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजोस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। बेसिकली ये जीएसटीआर 3B की वेरिफिकेशन की बात करता है। ये कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शैल ड्यूरिंग द पीरियड 21st अप्रैल 2020 टू 30th सितंबर 2020 आल्सो बी अलाउड टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन 3B वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। कहने का मतलब है कि आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कोई भी कंपनी है, और आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो आपको पता होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या कंपनीज के केस में DSC मैंडेटरी हुआ करता था फॉर जीएसटीआर 3B फाइलिंग। लेकिन यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दिया गया था ड्यू टू पेंडेमिक रीजंस, और वहां पर EVC का ऑप्शन जो है अलाउ किया गया था 30 जून 2020 तक। अब उस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 21 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक की जो भी 3B आप फाइल करेंगे उसके लिए आप EVC का कोड जो है उसको यूज करके अपनी GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट शैल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20th मई टू 30th सितंबर आल्सो बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR 1। जो दूसरा प्रोविजो है वो ये कहता है कि GSTR 3B भी आप फाइल कर सकते हैं EVC से, और जो GSTR 1 है उसे भी आप फाइल कर पाएंगे EVC के मदद से। वहां पे आपको DSC लगाने की जरूरत नहीं होगी 27 मई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के पीरियड के लिए। तो यहाँ पर DSC को ऑप्शनल किया गया है, EVC का ऑप्शन कंपनीज के लिए, 3B और 1 का ऑप्शन जो है वो दिया गया है, और किसी तरीके की फॉर्म्स के लिए आप EVC का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट पहला है कि EVC के थ्रू आप फाइलिंग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट और लेट फीस कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। ये आप देख रहे हैं टैक्स पीरियड मैंने लिखा है फरवरी 20 का, ड्यू डेट है आपका 20 मार्च 2020, क्योंकि आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट महीने की 20 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करना था, तो फरवरी की रिटर्न फाइल होनी चाहिए थी 20 मार्च 2020 तक। उसके बाद जो कंडीशनल रिलीफ दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि आप अगर ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो उसके अगले 15 दिन के अंदर भी आप अगर फाइल कर देते हैं, यानी कि ड्यू डेट के बाद 15 डेज तक आप अगर फाइलिंग कर देते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट कोई लेट फीस नहीं लगेगा। तो डेट विदाउट इंटरेस्ट था आपका फरवरी के लिए 4 अप्रैल 2020 का। रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, अगर आप उस 15 दिन के अंदर भी फाइल नहीं करते हैं लेकिन 24 जून तक फाइल कर देते हैं, यानी कि अब आने वाला दिन जो है 24 जून 2020 तक, तो आपको रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट लगेगा।
और 24 जून तक अगर फाइल कर देते हैं तो लेट फीस भी आपको कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आपने ये 24 जून का जो पीरियड है वो भी मिस आउट कर दिया तो क्या होगा, 25 जून ऑनवर्ड जो है 18% का इंटरेस्ट सीजीएसटी, 18% एसजीएसटी और लेट फीस लगना चालू हो जाएगा। यानी कि 5 करोड़ से ऊपर अगर है तो आपको फरवरी महीने की रिटर्न 24 जून तक फाइल करनी है। 24 जून तक करेंगे तो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट लगेगा, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, लेट फीस नहीं लगेगा। 25 जून ऑनवर्ड्स 18% का लगेगा इंटरेस्ट और लेट फीस पूरी लगेगी। कब से लगेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं 24 जून के बाद 25 जून को आप फाइल करेंगे तो आपको एक दिन का नहीं लगेगा, 24 से 25 के डिफरेंस का इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं लगेगा, ये आपको लगेगा 20 मार्च 2020 से। तो 96 से 97 डेज अप्रोक्सीमेटली का इंटरेस्ट और लेट फीस का पेमेंट आपको करना पड़ सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था एक दिन की देरी करेंगे 90 दिन के हिसाब से आपको 90 दिन की पेनल्टी और लेट फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि आप एक दिन की डिले करेंगे तो एग्जैक्टली कितने दिन का इंटरेस्ट और लेट फीस जो है वो लगेगा। तो आप देख रहे हैं फरवरी महीने में 25 जून से कितना हैवी अमाउंट आपका बन सकता है। अगर मैं 97 डेज लेकर के चलता हूँ 50 रुपीज पर डे के हिसाब से तो लगभग लगभग 5,000 रुपए का लेट फाइन जो है वो बन जाएगा फरवरी महीने के लिए। सिमिलरली इंटरेस्ट जो है वो 20 मार्च से कैलकुलेट किया जाएगा, आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना होगा। सिमिलरली मार्च महीने के लिए जो ड्यू डेट था वो था 20 अप्रैल 2020। अगर आपने 15 दिन के अंदर ड्यू डेट के बाद 15 दिन के अंदर फाइलिंग कर दिया था 5 मई तक कोई दिक्कत नहीं थी। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट 24 जून तक अगर आप अपनी मार्च महीने की रिटर्न फाइल कर देते हैं लेट फीस नहीं लगेगा, इंटरेस्ट आपको 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी के रेट से देना पड़ेगा। 25 जून के बाद एक दिन की डिले आपकी हो गई तो 67 डेज तक का इंटरेस्ट और लेट फीस जो है वो पे करना होगा, क्योंकि 20 अप्रैल से लेके 25 जून तक 66 से 67 डेज का कैलकुलेशन बन के आता है। सिमिलरली अप्रैल महीने के लिए हमारे पास जो ओरिजिनल ड्यू डेट था वो था 20 मई 2020। अगर आपने 15 दिन के अंदर जो ड्यू डेट के बाद 15 दिन का टाइम पीरियड दिया गया था 4 जून तक का उसमें अगर फाइलिंग कर दी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस डेट को मिस कर चुके हैं तो 24 जून तक अगर कर देंगे तो भी आपको लेट फीस नहीं लगेगा, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट लगेगा। 24 जून तक 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी और 25 जून के बाद आपको 20 मई से लेके 25 जून तक का लगभग लगभग 36 दिनों का इंटरेस्ट और लेट फीस का पेमेंट जो है करना पड़ेगा। तो यहां पर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। 40th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है आफ्टर 24 जून 2020। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो कुछ रिलैक्सेशन आपके लिए है मई जून और जुलाई महीने की रिटर्न्स के लिए। तो आपको इन चीजों को अब ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली अपनी फाइलिंग जो है वो प्लान कर लेनी है, अदरवाइज बहुत हेवी अमाउंट ऑफ लेट फीस और लेट फीस के साथ साथ इंटरेस्ट का जो लाइबिलिटी है वो बन सकता है अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी अच्छा खासा बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्च महीने में अगर 67 डेज का है तो यहाँ पे आपके पास 3,350 रुपीज का लेट फाइन बन रहा है और मई महीने के अप्रैल महीने के लिए जो लेट फीस बनेगा वो लगभग लगभग 1,800 रुपए का बन जाएगा। तो यहाँ पर एक दिन के डिले के लिए 10,000 रुपए की लेट फीस जो है वो मोटा मोटी बन के आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि 3B और इसकी इंटरेस्ट और लेट फीस को बचाने के लिए किस टर्नओवर तक आपको रिटर्न्स जो है 24 जून तक फाइल करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चार्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि जिनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो सोच रहे हैं कि लेट फीस का वेवर मिल गया है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो जल्द से जल्द अपनी रिटर्न जो है फाइल कर लें। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।